इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉपर लोडर या मटेरियल लोडर या मटेरियल सकर किसको हम बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी हो, इंजेक्शन मोल्डिंग हो या कोई भी कंपनी हो जिसके द्वारा हम कोई रॉ मटेरियल या मटेरियल के जो दाने होते हैं छोटे छोटे, उसको हम ऊपर कहीं भेजना हो या किसी मशीन में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक के द्वारा भेजना हो, तो हम किससे भेजते हैं? तो जिससे भेजते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, हॉपर लोडर। जो फिगर में दिखाया गया है इसको हम हॉपर लोडर के नाम से जानते हैं। इसे होता क्या है, ये लगाने से हमको क्या प्रॉफिट होता है, इसको लगाने से हमारा जो मटेरियल रहेगी वो ऑटोमेटिक हॉपर में, जैसे ये हॉपर बनी होती है ना, ये हॉपर में इसके द्वारा लोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। सेंसर लगी होती है, उस सेंसर को अगर जैसे कम होगा तो ये इसके द्वारा हम हॉपर में मटेरियल को सक कर लेता है। जैसे देखिए ये हमारा छोटा होता है, ठीक, इसमें हम पाइप लेके इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक, इसके द्वारा ये हमारा हॉपर लोडर है और ये जो हॉपर होता है उसके ऊपर इसको हम लगाते हैं, इसलिए ताकि हम जो मटेरियल के दानों को इलेक्ट्रिक के द्वारा जब हम ऑन करेंगे तो मटेरियल, जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे ठीक इसमें हम मटेरियल के दाने रखे हैं, ठीक ये मटेरियल के दाने हैं, ठीक, इसके द्वारा इसमें पाइप लगी होती है और इसके में इससे कनेक्ट करके रखते हैं और ये मशीन के ऊपर जो हॉपर होती है उसके ऊपर इसको कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक। जब इसको हम ऑन करेंगे तो इसमें से एक प्रेशर का एयर लगाते हैं जिसके द्वारा प्रेशर के द्वारा इस मटेरियल के दाने को अपने के ऊपर खींच लेता है, ठीक, और खींचने के बाद इसमें जो डस्ट होते हैं उसको इसमें इकट्ठा कर लेता है, ठीक, और जो ओरिजिनल शुद्ध या अच्छा वाला जो दाने होते हैं इसके द्वारा इसमें ट्रांसफ़र कर देता है और जो हॉपर में लगी होती है और जिसके द्वारा हम प्लास्टिक की कंपोनेंट हो या कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं वो तो बन जाता है। इसका दूसरा फिगर देखेंगे, देखिए ये है हॉपर लोडर, ठीक, या मटेरियल लोडर भी बोल सकते हैं, इसी के द्वारा हम मटेरियल को लोड करते हैं और ये हमारा मशीन जैसे हो गया ना, इसके ऊपर जो हॉपर होती है उसके ऊपर ये लगी रहती है, ठीक, इसके द्वारा हम एयर देते हैं, सकर का जो हवा देगा और इसमें हम मटेरियल को कनेक्ट करते हैं जिसके द्वारा इससे एयर का कनेक्ट रहेगा, एयर देगा तो सक करेगा जिसके द्वारा मटेरियल को अपने अंदर कनेक्ट करके रखता है और सक कर लेते हैं और जिससे हम प्लास्टिक का कंपोनेंट हो उसको हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखें हॉपर लोडर क्या होते हैं। तो हॉपर लोडर का नॉर्मली यही काम होता है कि हम मटेरियल के दाने जो होते हैं उसको ऑटोमेटिक उसको हम हॉपर में लोड करने का काम करते हैं, बस इसमें